हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम 11th स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे, जो कि 11th स्टैंडर्ड का उन बच्चों के लिए हमारा ये वीडियो है जिन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम को सिलेक्ट किया है, क्योंकि स्पेशली कॉमर्स स्ट्रीम के लिए हमारा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी मेन सब्जेक्ट होता है। तो इसका जो बेसिक है, बेसिक जो चैप्टर नंबर 1 है स्टूडेंट्स, इसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है और वीडियो को टोटल 5 पार्ट में अपलोड कर दिया है। जो चैप्टर नंबर 2 आता है, चैप्टर नंबर 2 का भी हमने फर्स्ट पार्ट में जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर हमको देखिए चैप्टर नंबर 2 में बीके मतलब बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का बेसिक हमको रूल्स पढ़ना है। इसका हमको रूल्स पढ़ना है कि एक्चुअली अकाउंटेंसी होती क्या है और बुक कीपिंग होता क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे और समझेंगे। तो इसका बेसिक अकाउंटेंसी सिस्टम, हम कोई अकाउंट को मैनेज कैसे करते हैं, इसके बारे में कुछ जो बेसिक इसके फंडामेंटल रूल्स है हम यहाँ पर जानेंगे और समझेंगे। और चैप्टर का नाम है मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी हम अकाउंट जब मेंटेन करने जाते हैं तो कुछ बेसिक जो उसके रूल्स है उसको हमको देखना पड़ता है। पहली बात, अकाउंट आप मेंटेन किसका करेंगे, अकाउंट आप किसका मेंटेन करेंगे, जब कोई क्या होगा, कोई एक संस्था होगी या कोई शॉप होगी या कोई कंपनी होगी, कोई इस्टेब्लिशमेंट होगा। मेरे कहने का मीनिंग क्या है कि कोई ना कोई इस्टेब्लिशमेंट होगा जिसमें कुछ ट्रांजेक्शन होते होंगे, कोई ना कोई काम उससे जुड़ा हुआ होगा, कोई ना कोई उसका एक फील्ड होगा जिसमें कि वो कंपनी या जो ओनर है या जो इंस्टीट्यूशन है या जो ऑर्गेनाइजेशन है उस काम में इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, तो देखिए अब जब कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है या कोई शॉप की बात होती है तो हमारा वहाँ पर क्या होगा कि हम उसको मैनेज करते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके कुछ रिकॉर्ड को हमको मेंटेन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल ये सारी चीज़ें हमको एक दूसरे से इंटरलिंक रहती है। जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट किए रहते हैं, 2-4 साल बाद हमको बिजनेस का पोर्टफोलियो अगर देखना है तो हमको रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। अब उस रिकॉर्ड को हमको मेंटेन करने के लिए बेसिक अकाउंटेंसी सिस्टम का यहाँ सहारा लेना पड़ता है। तो देखिए बच्चों, जब बेसिक अकाउंटेंसी सिस्टम को हम यहाँ फॉलो करेंगे तो यहाँ क्या होना चाहिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए। फर्स्ट हमको दिया है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन, कोई भी अकाउंट से रिलेटेड अगर हम कोई भी वैल्यू की या कोई भी ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग करना रहेगा तो वहाँ क्या होगा, उस बिजनेस में कोई ना कोई ट्रांजेक्शन होना चाहिए, उस बिजनेस में कोई ना कोई ट्रांजेक्शन होना चाहिए। वो ट्रांजेक्शन कैश का हो सकता है, वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट का हो सकता है, वो ट्रांजेक्शन कुछ परचेज हम करते हैं, कुछ सेलिंग का हो सकता है, किसी एम्प्लॉई को या जो हमारे पास जो एम्प्लॉई लोग काम करते हैं उसको हम सैलरी देते हैं, कुछ एक्सपेंस रहेगा उसका, रेंट हो सकता है, रेंट हो सकता है, सैलरी हो सकती है, वेजेस हो सकती है, अगर कंपनी कोई फैक्ट्री है तो वहाँ वेजेस हम देते हैं लेबर को। तो ये सारी चीज़ें क्या होगा कि एक ट्रांजेक्शन होगा। तो वहाँ पर अगर हमारी कंपनी या फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में लेबर लोग काम करेंगे तो लेबर को हम जो वेजेस या सैलरी देते हैं हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन के तहत आता है। तो फर्स्ट हमको क्या होना चाहिए कि कोई ना कोई वहाँ पर बिजनेस ट्रांजेक्शन होना चाहिए। जब बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा तो हमारा अकाउंटेंसी का सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड देखिए होता है इवेंट। इवेंट क्या होता है, इवेंट का मतलब होता है प्रोग्राम। इवेंट का मीनिंग क्या होता है, कोई प्रोग्राम या कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीज हम क्या करते हैं वहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं या कोई हम इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो यहाँ पर इवेंट मतलब प्रोग्राम की बात नहीं हो रही, इवेंट मतलब यहाँ पर होगा रिजल्ट। यहाँ उससे क्या होगा, कुछ रिजल्ट आना चाहिए। अब वो रिजल्ट क्या हो सकता है, रिजल्ट में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। रिजल्ट की बात करें अगर तो वहाँ पर कुछ सेलिंग आप कर सकते हैं। अगर हम देखें तो कोई हमारा बिजनेस है या कोई फैक्ट्री है या कोई कंपनी है तो अगर वहाँ पे हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम सर्विस को भी सेल करते हैं, या कोई हम गुड्स सप्लाई करते हैं तो वहाँ पर भी क्या करते हैं, हम सेल करते हैं, और सेल से पहले हमको परचेज करना होता है।
तो वहां पर इवेंट्स में क्या होगा कि कुछ सेल और परचेज का रिकॉर्ड होना चाहिए, सेल और परचेज से जुड़ी कुछ यहाँ पर इवेंट्स या रिजल्ट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने किसी को 1000 का गुड्स बेचा, ठीक है, 1000 का हमने किसी को गुड सेल किया, ठीक है। अब हमने गुड सेल किया तो एक तो हो गया सेल, अब सेल से पहले भी कोई इसमें इन्वॉल्वेशन रहेगा, वो गुड्स कहीं ना कहीं से आया होगा, अदरवाइज मैन्युफैक्चर किया गया होगा। अगर हम इसको मैन्युफैक्चर किए हैं, मान लीजिए इसकी हमको कॉस्टिंग कितनी गिरी है, 800 रुपीज गिरी है, ठीक है। तो 800 के प्रोडक्ट को हमने क्या किया, 1000 में बेच दिया, तो 200 हमारा क्या हो गया, यहाँ पर डिफरेंस हो गया, जो कि रेवेन्यू बोल सकते हैं इसको, इसको हम रेवेन्यू, यहाँ पर हमारा 200 का क्या हुआ, रेवेन्यू जनरेट हुआ। इसको हम डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं बोल सकते, क्योंकि और भी इस पे कुछ जो हमारी फैक्ट्री से या कंपनी से या ऑफिस से या हमारे जो शॉप है, शॉप के रेंट से एक्सपेंस के जुड़े हुए, तो हम प्रॉफिट बाद में निकालते हैं। प्रॉफिट हम डेली डेली का नहीं, हमारा अगर हम अकाउंट को मैनेज करते हैं तो हम जनरली प्रॉफिट को आफ्टर 1 ईयर, फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग में हम प्रॉफिट उसका कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सेल हुआ, सेल से जुड़ा परचेज था, तो यहाँ सेल परचेज मतलब रिजल्ट क्या निकला, रेवेन्यू के रूप में निकला, ठीक है। तो इसको हम इवेंट बोलते हैं। आगे अकाउंट्स, थर्ड वन क्या है, अकाउंट्स हम मैनेज करते हैं। अब देखिए बिजनेस है, ट्रांजैक्शन है, तो अकाउंट्स, अकाउंट्स में क्या होगा बच्चों, जो हम बुक मेंटेन करते हैं, जो मान लीजिए बुक कीपिंग बोल सकते हैं, या हमारे पास जो सेल परचेज का रजिस्टर रहेगा, या सैलरी का रहेगा, वेजेज का रहेगा, बहुत सारे रिकॉर्ड जो हम मेंटेन करते हैं, इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, अकाउंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम अकाउंट्स में क्या होगा कि जहां पर हम सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, जहां पर हम टोटल रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, वो सारी चीजें किस में आएगी, अकाउंट्स के दायरे में आएगी। और अकाउंट की ही हम बात कर रहे हैं अकाउंटेंसी में, तो थर्ड वन अकाउंटेंसी। अब देखिए फोर्थ वन आता है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल को हिंदी में हम बोलते हैं पूंजी, ठीक है, कैपिटल। अब इसका मीनिंग क्या है, पूंजी, पूंजी जो कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इनके छोटे पैमाने से लेकर बड़े पैमाने पर, ठीक है। छोटे पैमाने पर करेंगे तो छोटा इन्वेस्टमेंट रहेगा, बड़े पैमाने पर करेंगे बड़ा इन्वेस्टमेंट रहेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो लगेगा ही। जो हम इनिशियल फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करते हैं, देखिए बाद में हम कैपिटल को और इंट्रोड्यूस करते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें होती रहती है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम हम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जो हम पैसा लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम कैपिटल बोलते हैं, ठीक है, इसको हम कैपिटल बोलते हैं, ठीक। आगे बात आती है ड्राइंग। ड्राइंग क्या है, देखिए कैपिटल तो हमने बिजनेस को पैसा दे दिया, हमने बिजनेस में क्या किया, उतना पैसा लागत लगा दी, उतना हमने इन्वेस्ट कर दिया। अब बिजनेस का काम है कि वो पैसा हमको रिटर्न करे, रिटर्न किस रूप में करेगा, हमको प्रॉफिट अर्न करके देगा, ठीक है। तो कैपिटल एक तरह से क्या होता है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज रहती है, बिजनेस को हमने दे दिया तो अब बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है कि उस पैसे को हमको रेट ऑफ रिटर्न दे। बात आती है ड्रॉइंग की, ड्रॉइंग किसको बोलते हैं, देखिए बच्चों ड्रॉइंग का मतलब होता है, हिंदी में हम उसको बोलते हैं आहरण, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, आहरण बोलते हैं। जिस पैसे को हम बिजनेस से विड्रॉ करते हैं, किसके लिए, बिजनेस के लिए नहीं, अगर हम बिजनेस का पैसा बिजनेस के लिए यूज करते हैं तो उसको हम ड्रॉइंग नहीं बोलते हैं। ड्रॉइंग का मीनिंग क्या होता है, जो पैसा हम पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं, हमने बिजनेस से पैसा निकाला और उस पैसे को हमने क्या किया, पर्सनल यूज के लिए यूज किया, जैसे कि आप बोल सकते हैं घर खर्चे के लिए यूज किया, ठीक है, या अपने चिल्ड्रेन का या बच्चे का फीस पे किया, ठीक है, पर्सनल टेलीफोन का बिल पे किया, हाउस रेंट पे किया, ये सारी चीजें क्या हो गई, ये बिजनेस से जुड़ी नहीं हुई है, ये उसके पर्सनल, उसके फैमिली से जुड़ी हुई चीज है। तो बिजनेस अलग होता है, फैमिली अलग होती है, तो इसको हम पर्सनल यूजेस के लिए जो पैसा अगर बिजनेस से निकालते हैं तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है।
आगे बात आती है 6 को हम देख लेते हैं, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होती है? अब देखिए लाइबिलिटीज की बात आएगी तो लाइबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व। दायित्व का मतलब जिम्मेदारी, जिम्मेदारी का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर लाइबिलिटी, मान लीजिए किसी से हमने कोई चीज परचेज किया है, ठीक है, हमने मान लीजिए राम एंड श्याम से 1 लाख का स्टॉक परचेज किया, ठीक है, और कैसे परचेज किया है, क्रेडिट में है। ये क्या है, हमने क्रेडिट में परचेज किया है। अब देखिए जब हमने परचेज करा तो हमारे पास स्टॉक तो आ गया हमने, लेकिन पैसा पे नहीं किया अभी। अभी परचेज दो टाइप का होता है, कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो मान लीजिए हमने राम एंड श्याम से 1 लाख का स्टॉक खरीदा है लेकिन पेमेंट नहीं किया है, मतलब हमने जो स्टॉक उठाया है क्रेडिट में है। अब क्रेडिट में है तो हमको आज नहीं कल पैसा तो पे करना है इनको, ठीक है। जब पैसा पे करना है तो ये क्या हो गई, हमारे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, हमारे ऊपर एक तरह से कर्ज हो गया, एक तरफ से हमारे ऊपर क्या है, ये दायित्व बन गई, हमारी जिम्मेदारी बन गई कि हमको इस पैसे को पे करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज बोलते हैं। हमारे यहाँ कोई सेल्समैन है, काम किया है, या कोई एम्प्लाई काम किया है जिसकी सैलरी ड्यू है, जिसकी सैलरी ड्यू है हमने पे नहीं किया है लेकिन काम तो उसने कर दिया है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसको पेमेंट कर देना चाहिए। अगर हमने पेमेंट अभी तक नहीं करा है तो आज नहीं कल तो उसको हमको देना है। जब उस पैसे को हमको उसको पे करना है तो वहां पर क्या हो जाएगा, उसकी जो सैलरी हमारे ऊपर ड्यू है उसको हम लाइबिलिटीज के कॉलम में रखेंगे, ठीक है। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी उत्तरदायित्व तो है हमारे ऊपर कि उसका पैसा पे करना है, एक तरह से हमारे ऊपर उसका क्या है, कर्ज है, ठीक है। तो इसको हम लाइबिलिटीज बोलते हैं। अब बात आती है एसेट्स की। एसेट्स किसको बोलते हैं, एसेट्स का मतलब क्या होता है? एसेट्स का मतलब तो हम बोलते हैं प्रॉपर्टी, है ना। एसेट्स का मीनिंग क्या हुआ, प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे हम, तो बिजनेस की बात हो रही है, यहां पर बात किसकी हो रही है, बिजनेस की बात कर रही है। हमने कहीं पर क्या किया, एक घर खरीद लिया, ठीक है। तो घर खरीदा तो किसके लिए खरीदा, हमारा पर्सनल है, वो पर्सनल हमने इन्वेस्ट किया है तो हमारा पर्सनल इन्वेस्टमेंट में आएगा, लेकिन इसमें बिजनेस से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन हमारा जहां पर समझिए ऑफिस है या कंपनी है, हमने उस बिल्डिंग में कोई फ्लैट खरीदा या कोई शॉप खरीदा या कोई हमने ओपन प्लॉट खरीदा, तो ये सब इन्वेस्टमेंट क्या है, बिजनेस के लिए हम कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें बिजनेस में प्रॉपर्टी गिनी जाएगी, ठीक है। हमने बिजनेस के लिए मशीनरी परचेज किया, प्लांट एंड मशीनरी लगाया, फर्नीचर लगाया, ये सारी चीजें क्या है, हमारी एसेट्स है, ये हमारी एसेट्स है। हमारे पास कैश आता है, हमारा कैश क्या है, कैश भी हमारा एसेट्स है। हमको कहीं से कमीशन आने वाला है, अभी आया नहीं है, तो ये भी क्या है, हमारे एक तरह से एसेट्स के कॉलम में गिना जाएगा, इनकम रहता है। तो इसको हम किसमें दिखाएंगे, आज नहीं कल हमने अर्न कर लिया है, मतलब हमने कुछ इनकम कर लिया है, तो जो हमारी इनकम है किसमें आएगी बच्चों, एसेट्स में आएगी, ये सारी चीजें एसेट्स में आएगी। हमने किसी को माल बेचा है, हमने किसी को स्टॉक बेचा हुआ है, स्टॉक बेचा हुआ है तो स्टॉक बेच दिया और काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। जब हम सेल या परचेज करते हैं तो हमेशा दो बातें होती है, या तो हमारा कैश में सेल या परचेज होता है या तो क्रेडिट में होता है। जब हमने किसी को क्रेडिट में सेल करा, जब हमने किसी को कैश में सेल करा तो हमारे पास कैश आ गया, क्रेडिट में सेल करा तो आज नहीं कल उससे पैसा हमको आएगा, वो हमारे लिए क्या है, डेटर्स है, हमारे लिए क्या है, वो डेटर्स है। तो डेटर्स क्या होता है, डेटर्स भी हमारी एसेट्स है। जब पैसा आएगा तो किसके रूप में आएगा, कैश के रूप में आएगा, या अगर हो सकता है कि उसके पास कोई फर्नीचर है, स्टॉक है, उसने दिया, तो ये सारी चीजें हमारी एसेट्स में आएगी, ठीक है। तो डेटर्स हमारा एसेट्स होता है। अब हम चलते हैं 8th पॉइंट पर। 8th में क्या है बच्चों, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस में क्या हो सकता है, जो हमारे बिजनेस से जुड़े हुए जो खर्चे हम करते हैं, हमारे बिजनेस से जुड़े हुए जो हम खर्चे करते हैं बिजनेस के लिए, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, बिजनेस को आगे चलाने के लिए जो एक्सपेंस होता है उसको हम एक्सपेंस के कॉलम में गिनते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने सैलरी पे किया, हमने वेजेस दिया और हम क्या किए, रेंट दिए, ठीक है,
रेंट दिए, बहुत सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो पैसा हमारे बिजनेस से जुड़ा रहता है और हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस रहता है, उसको हम एक्सपेंस के कॉलम में रखते हैं। अब बात आती है रेवेन्यू। रेवेन्यू की बात कर लें तो जैसे हम मान लीजिए रेवेन्यू को हम क्या बोलते हैं, अगर टेलीकॉम में आप हैं या किसी भी फील्ड में हैं, तो अगर आपने कोई चीज मान लीजिए 10,000 रुपये की खरीदा, ठीक है, 10,000 की खरीदा और 15,000 रुपये की उसको सेल करा, जब आपने 10,000 का परचेजिंग किया और उसको सेल कर दिया कितने 15,000 में, तो 5,000 क्या हो गया आपका प्रॉफिट हो गया। तो यहां पर हम डायरेक्ट इसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, इतना हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ, यहां पर हमारा क्या हुआ, यहां पर रेवेन्यू जनरेट हुआ, ठीक है। रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, 15,000 का हमारा सेल बढ़ गया, ठीक है। अब इसको हम बोलेंगे रेवेन्यू, ये हमारा कॉस्ट है और इस कॉस्ट को टोटल सेल में से माइनस करेंगे, सेल या रेवेन्यू में से, तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से इनकम हो गई, ये क्या हो गई, इनकम हो गई। इनकम हम फाइनल इनकम कब दिखाते हैं, फाइनल इनकम हम तब दिखाते हैं बच्चों कि जब हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है और सारे एक्सपेंस, सारे जो एक साल के हमारे एक्सपेंस रहते हैं उसको रेवेन्यू से यहाँ पर माइनस करते हैं। रेवेन्यू हमारा कब जनरेट होता है, टोटल हमारी इनकम से, टोटल हम इनकम से अपने एक्सपेंस को माइनस करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। रेवेन्यू बिजनेस की जो इनकम होती है, ठीक है, बिजनेस की इनकम, ठीक, जैसे 5,000 क्या बोलेंगे, रेवेन्यू। अब इनकम की बात आती है बच्चों, तो इनकम की बात होगी कि हमने रेवेन्यू जनरेट करा, रेवेन्यू जनरेट करा, अब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ठीक है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ठीक है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं बच्चों, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, तब हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर जो बैलेंस बचेगा वो हमारी इनकम कही जाएगी। हमारी इनकम का मतलब तो वही हुआ ना भाई, हमारी जो इनकम क्या हुआ, टोटल में से एक्सपेंस को हम माइनस कर दें, हमारी इनकम तब पता चल जाएगी, टोटल जो हमारी आने वाली रहेगी, इसको हम आवक बोलते हैं, इसको हम एक्सपेंस बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, या व्यय बोलते हैं, खर्चे बोलते हैं, ठीक है, इनकम हो गई। अब बात आती है परचेज की, परचेज क्या होता है बच्चों, देखिए परचेज हम उसको बोलते हैं कि अगर कोई बिजनेस हमने स्टार्ट किया है तो बिजनेस को चलाने के लिए जो सारी जरूरत की चीजें रहती हैं, जिसके बारे में हम बिजनेस कर रहे हैं, उसको हमको बाहर से मंगाना पड़ता है, तब तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमको परचेज करना होगा तब तो हम सेल करेंगे, या हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई चीज बना रहे हैं, तब भी हमको रॉ मटेरियल क्या करना होगा, परचेज करना होता है, रॉ मटेरियल हमको परचेज करना होता है। तो जो हम बिजनेस के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए जो हम परचेज करते हैं, ठीक है, जो परचेज करते हैं उसको हम परचेज बोलते हैं, जब तक कि हम फिनिश्ड गुड्स में उसको कन्वर्ट ना कर लें। जब हमारा बिजनेस में रॉ मटेरियल आया है, रॉ मटेरियल आया है और फिनिश्ड गुड में, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, हमने उसको फिनिश गुड्स का रूप दे दिया, अब फिनिश गुड्स तो बन गया, तो अब क्या करेंगे, हम सिर्फ कंपनी में तो रखेंगे नहीं, या हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट है वहां पर तो हम इसको नहीं रखेंगे, इसको क्या करना होगा, हमको सेल करना होता है, ठीक है। जब हम सेल करते हैं तब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास से स्टॉक जाता है और स्टॉक के जगह क्या आता है, या तो पैसा तुरंत आएगा या तो क्रेडिट है तो बाद में आएगा, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस के इसमें सेल्स बोलते हैं, इसको हम सेल्स बोलते हैं। अब देखिए बात आती है प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट का भी सेम यही है रूल कि जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है तो हमारा पूरा एक साल का रिकॉर्ड चेक किया जाता है, उस रिकॉर्ड में हमको कहाँ कहाँ से, कौन कौन से सोर्सेस से इनकम हुई है तो इनकम के कॉलम में आएगा, और कितना हमने एक्सपेंस करा है, एक साल में हमारे एक्सपेंस क्या है, तो ये सारी चीज़ें को हम पूरा कैलकुलेट करते हैं, हमारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट CA रहता है, ये पूरी फाइनल हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसके बाद क्या बनाता है, बैलेंस शीट, इसके बाद
बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस से हमको क्या पता चलता है, हमारी नेट इनकम पता चलती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेट इनकम को प्रॉफिट बोलते हैं। अगर यही काम हमारा सीए करता है और पता चला कि हमारा एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम हो गई, इनकम कम है, तो हमको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो जहां पर हमने प्रॉफिट का फिगर दिखाया है यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, लॉस हो जाएगा उस साल में। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट और ये हो गया लॉस। लास्ट पॉइंट पर हम चलते हैं आज के वीडियो का, आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, इसमें बहुत बड़ा ये साम्राज्य है स्टूडेंट्स। अगर आपने इसको अकाउंट्स को अच्छे से समझ लिया और जान लिया तो आप इसको कहीं पर भी आप सिंगल परसेंट साइंस से या किसी और भी सब्जेक्ट से कम मत आकिएगा, क्योंकि ये पूरा एकदम समझिए ओशन है, ठीक है। इसमें आप अच्छे से अगर तैयारी कर लिए तो ये बहुत बड़ा साम्राज्य, इसमें भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जो कि साइंस से कहीं ज़्यादा आपको पड़ जाएगी, कम नहीं पड़ेगी। आज के डेट में अगर आप देखें तो जब से जीएसटी आ गया मार्केट में, क्या आ गया, जीएसटी आ गया, जीएसटी के आने के बाद से जो अगर अकाउंट का नॉलेज रखता है वो भी आराम से 20,000 रुपये तक महीने का कमाता है, वो भी बेसिक काम करके, जिसको अकाउंट का नॉलेज है उसने अगर 12वीं भी अच्छे से किया है, अकाउंट आता है तब भी वो कर सकता है जीएसटी फाइलिंग, या बीकॉम किया है या बीकॉम कर रहा है तब भी इतना पैसा तो बेसिकली वो कमाता ही कमाता है। तो इसके लिए आपको अकाउंट्स को बहुत शिद्दत से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, और अकाउंट में आपने अच्छा कर लिया तो आपके लिए एकदम ओपन समझिए, पूरा खुला आकाश की तरह इसका साम्राज्य है। तो आपको आगे अकाउंट्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत सारे आपको स्कोप्स मिलेंगे, बहुत सारे आपको इसमें स्कोप्स के ही स्कोप है। अब देखिए बात आती है स्टॉक की, स्टॉक किसको बोलते हैं, देखिए स्टॉक हम उसको बोलते हैं कि जो हमारे पास स्टॉक आता है या जो हम गुड्स मंगाते हैं सेल करने के लिए, या हम रॉ मटेरियल मंगाते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो कुछ स्टॉक क्या होता है, यूज होने से रह जाता है, कुछ स्टॉक्स यूज होने से रह जाता है। तो अगर जो चीज़ें रह गई तो हम फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद उसको स्क्रैप में तो डाल नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि हमारा बिजनेस रनिंग होते रहता है, कंटिन्यू चलते रहता है, एक साल का दूसरे साल, 20-20 साल 50-50 साल कंपनियाँ चलते रहती है, हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है, बाकी सिस्टम तो वही रहता है। तो जो हमारा स्टॉक रहता है, जो बच जाता है, ये क्या हो गया, जो बचा हुआ स्टॉक है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। मतलब हमने एक साल यूज करा, एक साल यूज करने के बाद जो स्टॉक बिकने से रह गया उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक, और स्टॉक में उसकी कैटेगरी क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। अब यही क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, जब हमारा फर्स्ट अप्रैल मान लीजिए, जैसे 1 अप्रैल 2021 जो स्टार्ट हुआ है, अभी ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, तो जो हमारा 31 मार्च 2021 को क्लोजिंग स्टॉक था वो क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2021 को हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए बच्चों, ये बहुत बहुत ही आपके लिए यूजफुल रहेगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट है, आपको ये पूरा पिक्चर क्लियर कर रहा है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, इवेंट्स क्या होता है, अकाउंट्स, कैपिटल, ड्राइंग, लाइबिलिटीज, एसेट्स, ये आपका पिक्चर पूरा क्लियर रहेगा तो आपको एंट्री बनाने में बहुत आसानी होगी, आपको एंट्री बनाने में बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो एक्सपेंस किसको बोलते हैं, रेवेन्यू क्या होता है, इनकम एंड परचेज, सेल, प्रॉफिट, लॉस एंड स्टॉक। तो अब आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।